अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न के निवारण के लिए कमेटी बनाने की दिशा में एक मीटिंग रखी गई। इसमें क्षेत्र के ग्रामीण एकत्रित हुए, सभी ने अपने विचार रखे एवं अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न निवारण के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों के समर्थन में कमेटी का निर्माण किया गया। इस बार की सभी उपस्थित सदस्यों ने सहमति दी। जल्द ही ऐसी कमेटी का निर्माण कर उसका पूरे मध्य प्रदेश में कमेटी के जिला पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो अपने जिलों में ग्राम स्तर तक कमेटी का विस्तार करेगा। और साथ ही में इस कमेटी का उद्देश्य अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संवैधानिक दायरे में अपनी बात शासन प्रशासन के समक्ष जन दबाव द्वारा रखी जाना है और वंचित शोषित के लिए आवाज बुलंद कर उन्हें न्याय हक अधिकार दिलाना होगा। कार्यक्रम में सूत्रधार वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी राजा शब्बीर हुसैन थे और क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सर, जो अत्याचार के खिलाफ समूह बन रहा है, इसमें जो लोग जुड़ेंगे उनको कोई आइडेंटिटी प्रूफ या कोई कार्ड दिया जाएगा? हमारी कमेटी का जो भी पदाधिकारी होगा उसको बिल्कुल उस कमेटी का परिचय पत्र दिया जाएगा। सामने आने से तो वो सामने कैसे आएंगे? ये जो समाज की घटिया सोच है, आगे बढ़ नहीं पाना, के फॉर एग्जाम्पल अपन ये मानते हैं कि यार घर वाले कहीं ना कहीं कोई बड़ा कांड होता तो उसमें घर वाले ही रहते हैं, क्यों माँ बाप उसको कहते हैं कि दबी रहे बेटा, चुप रहे, जो समाज में क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा। तो ये लोगों को बाहर निकालने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? हर व्यक्ति में ये डर रहता है और वो अपनी क्षमताओं को उजागर इसीलिए नहीं कर पाता है। जैसे ही हम लोग समूह बनाएंगे तो समूह से वो डर निकल जाता है। समूह का मतलब ही डर निकालना होता है और हम उस डर को निकाल कर उसे समूह में जोड़कर समूह के माध्यम से काम करेंगे। आप ये जो समिति बना रहे हैं इसको क्या घर घर तक पहुंचाएंगे? ये समिति घर घर तक, हर व्यक्ति व्यक्ति तक जाएगी। प्रोग्राम रखा गया, किस विषय में रखा गया? हमारा आज का विषय ये था कि हम एक कमेटी का निर्माण करने जा रहे हैं, जो कमेटी पूरे मध्य प्रदेश में काम करेगी। शुरुआत हमने शाजापुर जिले के काला पीपल तहसील के ग्राम बकान से शुरू की है। उस कमेटी का उद्देश्य ये है कि जिन लोगों की आवाज़ शासन और प्रशासन नहीं सुन पा रहा है, या शासन और प्रशासन जिन लोगों के लिए संविधान अनुसार काम नहीं कर रहा है, उनको हक अधिकार नहीं दे रहा है, या जिन पर अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक अगर नहीं पहुंच रही है, नहीं जा रही है और नहीं सुन पा रहा है, तो हम लोग सब इकट्ठे होकर हर जिसपे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तैयारी कर रखी है और आगे आपका इसके रिलेटेड क्या प्रोग्राम डिसाइड कर रहा है आपने? हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ एक 10 साल के करियर में एक विचार आया कि भारत देश में जन दबाव समूह होना बहुत जरूरी है, जो अच्छे कामों के लिए आगे आए। इस ऐसे हम समूह का निर्माण करने जा रहे हैं और आज से ही हमने शुरुआत की है और आगे अच्छे परिणाम आए इसके लिए आप सभी लोगों से और सभी साथियों से उसका साथ देने के लिए अपील भी की। आए दिन आम आचार होते हैं, इसके विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? अत्याचार हो रहे हैं, इस बात को मैं विगत 10 सालों से सार्वजनिक जीवन में देख रहा हूँ, इसीलिए तो ये कमेटी का निर्माण करने जा रहा हूँ। इसमें आम आदमी आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? हम लोग हर गांव में हमारे लोगों को वॉलंटियर बनाएंगे, उनको ग्राम प्रधान बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे हमारी कमेटी का, और उनसे कहेंगे कि इसमें अपने लोगों को गांव में जोड़ो, अपने आसपास के लोगों को जोड़ो, और लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को जोड़ेंगे। ये जोड़ने की जो प्रोसेस रहेगी ये क्या रहेगी आपकी? हमने जैसे आज मीटिंग शुरुआत की है, इसमें जितने लोग आए हैं उन लोगों को बोला है कि आप अपने आसपास लोगों को जोड़ो, जोड़ के हम 50-50 100-100 लोगों के समूह बनाकर उनमें अपने विचारों को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और उनसे
इस बारे में सुझाव भी मांगेंगे और जो भी मतलब मैटर पे हमको काम करना है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए काला पीपल से दिनेश मेवाड़ा की रिपोर्ट।